shopping, happy shopping. अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है, मजे में। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अब फ्राइडे है, बच्चों के लिए वॉफल्स बनाने लगे। आज इन्हें छुट्टी कराई हुई है, स्कूल तो जाना है 30 जून तक, लेकिन अभी कोई वो स्पेशल पढ़ाई नहीं है, तो इस वजह से फिर मैं छुट्टियां आजकल तो करा रही हूँ। इवन टीचर छुट्टियां कर रही हैं, सो चलता है। अच्छा, मुझे आप सबसे पहले एक चीज बताएं कि ये मेटल के पीछे आयन, मुझे तो लगता है पता नहीं, लेकिन हल्का सा नहीं, लोहा तो नहीं हो सकता। बाहर आ रही जो भी मेटल है, इसके पीछे ये व्हाइट सा क्या बनता है? चूना सा बन जाता है ये, देखें। इज इट हार्मफुल और नॉट? फ्रंट पे नहीं बनता, पीछे बनता है, लेकिन हाथ ऐसे इसको पकड़े तो ये हाथों पे लग जाता है, तो इसे मैं फिर फ्रंट पे नहीं पकड़ती हूँ। ये वॉफल मेकर है, मैंने ये अमेजोन से मंगवाया था। मेरा वॉफल मेकर तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इसके पीछे ये क्रोड हो रहा है या ये क्या हो रहा है, ये कोई रस्ट की फॉर्म है, क्या है, आई डोंट नो। तो अगर आप में से किसी को एग्जैक्ट पता है तो बताने। तो मैं वैसे ये करूंगी कि मैं ना आज इसको इंटरनेट पे चेक भी करूंगी, लास्ट टाइम भी मैंने सोचा था चेक करूं पर मैं भूल गई। वैसे आपके घर में फंगस नहीं होनी चाहिए, किसी चीज को भी फंगस लगा और फटाफट फेंक दे और वहां तक नौबत ही ना आने दें, क्योंकि वो बहुत डेंजरस होती है। खुदा नास्ता मतलब वो कैंसर की वजह बन सकती है। तो उसलिए जो भी कोई फंगस या मोल्ड लगती है उसको अवॉइड करना जरूरी होता है। आपको पता है जो फंगस होती है उसके स्पोर्स होते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो ये वो चीज नहीं है, ये मेटल के ऊपर कुछ जंग टाइप का लगता है बट व्हाइट कलर का, लेकिन मुझे ये कंसर्न दे रहा है, मुझे जानना है। अगर ऐसी बात है तो मतलब आई एम रेडी टू डिस्कार्ड दिस वॉफल मेकर, हालांकि मुझे इतना पसंद है, तो मैं किसी जो है ना वो नॉन ब्रांड का ले लूंगी। अमेजोन पे ये होता है कि सारी दुनिया से प्रोडक्ट मिल रही होती है, तो ये ब्रांड बिल्कुल भी कोई नॉन ब्रांड नहीं है। व्हाट मिशू? मिशी के ऑल्सो टॉयज, टॉय भी मिलते हैं अमेजोन से। ये देखिए वॉश होके बिल्कुल अच्छे से साफ हो गए, प्रॉपर मेटल लग रहा है ये, वरना बिल्कुल व्हाइट चूना सा लग रहा था, याद है? अभी मैं आपसे मॉर्निंग में मिलूं ना, अस्सलाम वालेकुम वगैरह करूं, और आप देखें कि मेरे सिंक में 2-4 बर्तन पड़े हुए हैं, तो समझ आया करेंगे रात में मैंने शहजाद ने मूवीज वगैरह एंजॉय की थी। अब चूंकि मैं जरा थोड़ा सा, मैं और शहजाद दोनों ही हम लोग अपने वेट का ख्याल रख रहे हैं, तो हम लोग कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाते। रात में फ्रूट तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें होती है फ्रुक्टोज। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं ना तो फ्रूट तो ना ही खाएं, लेकिन कभी कभी दिल कर रहता है तो वाटरमेलन थोड़ा सा फिर मैं खा लेती हूँ, मैं वाटरमेलन खा लेती हूँ, और फिर उसको खाने के बाद जो है वो गीले गीले ही उसके सीड्स, आपको पता है ना पानी भी होता है वाटरमेलन के साथ, बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन मैं वो सीड्स भी तोड़ तोड़ के खाती रहती हूँ, मुंह में ना एक एक सीड खोद के खाती रहती हूँ। आज तो सारा दिन मेरा इसी तरह रफ हुई है, मैं फिरने का प्रोग्राम है लिटरली। कभी कभी होता है ना कि आपका बिल्कुल दिख जाता है कि बस रिलैक्स करें। ओ, मैंने ऑयल की बोतल गिराई है पीछे, ऑयल गिरा है। आज मेरे घर में इतने दिनों के बाद वॉफल्स क्यों बन रहे हैं? क्योंकि मिशी ने मुझे कहा था, मामा इट्स बीन एजेस यू डिड नॉट फीड मी वॉफल्स। चेक करें आप मिशी की बातें और उसकी प्यारी प्यारी बातें माशाल्लाह। तो फिर मैंने कहा इट्स ओके, आई विल मेक वॉफल्स फॉर यू, नो प्रॉब्लम। वॉफल्स का टेक्सचर जो है ना वो होता है ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट मज़ेदार किस्म के, और इनके अंदर ज़्यादा चीनी नहीं होती। चीनी इस बैटर में ज़्यादा डालेंगे ना तो एक्स्ट्रा ही क्रंची और हार्ड सा हो जाएगा। सो मीठी टॉपिंग जो है ना ऊपर डाली जाती है, चॉकलेट या हनी जो भी आपको अच्छी लगती है, मेपल सिरप। तो उसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि हमारे पास तो वॉफल मेकर नहीं है तो फिर हम कैसे बनाएं? अगर आपके पास सैंडविच मेकर है तो उसमें भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इस बैटर को थिक बनाएं, जितना मैं दूध लिखूंगी डिस्क्रिप्शन में उससे कम डालें, थिक सा बैटर बना के तो आप पैन में भी बना सकते हैं। मैदा मैंने ले लिया, इसके अंदर शुगर मैंने जस्ट 1 टेबलस्पून डाली है, और साथ में 4 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर जा रहा है। सारे मेजरिंग स्पून्स हैं और मेजरिंग कप्स हैं। उसके अलावा ये जो सॉल्ट है थोड़ा सा मैं डालूंगी, और वेनिला एसेंस जाएगा। वेनिला एसेंस भी जितना लिखा हो हमेशा उतना ही डाला करें, बहुत ज़्यादा डालें तो कोई भी आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो बिटर हो सकती है, बहुत ध्यान रखना होता है हर इंग्रेडिएंट का। अच्छा, इसमें मैंने डाला है ऑयल, और अब इसमें दूध टोटल जाएगा 1 कप + 3/4 कप। तो अगर आपने पैन में बनाना है तो आप इससे थोड़ा सा कम दूध डालें, या फिर ये भी तरीका हो सकता है कि आप पैन में पूरा एक बैटर डाल के ना पूरे पैन में, तो आप इसको बेक करें, हल्की आग पे इसको रख लें और पकता रहेगा ये, तो तब भी आप इसके फिर बाद में पिज्जा की तरह स्लाइसेस कर लें तो ये एक बड़ा सा वॉफल बन जाएगा बड़े मजे का। अच्छा, इसमें मैंने 2 एग्स भी डाल दिए, और बस यही इसके टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं। बड़ी दफ़ा मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। तो बस इसको हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना, और ये बैटर हमारा तैयार हो गया। उतनी देर में मैंने ऑन कर लिया हुआ वॉफल मेकर को।
अच्छा, जब मैं आपसे ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैंने अपने ही कंसर्न को चेक किया था इंटरनेट पे, तो इसको व्हाइट रस्ट कहते हैं, और ये अगर इसके ऊपर बने ना कोटिंग के ऊपर तो तब सही नहीं है, वरना बैक साइड पे तो इट्स ओके, आप इसको वॉश करके यूज कर सकते हैं। तो चलिए, ये भी तसल्ली होगी, नहीं तो पूरा वॉफल मेकर मुझे डिस्कार्ड करना पड़ना था, ये किसी को गिव अवे भी नहीं कर सकते, जो चीज़ आपके लिए खतरनाक है आप दूसरे को भी ऑब्वियसली नहीं दे सकते। तो ये इसके अंदर मैं वॉफल का बैटर डाल दूंगी और बस इसको 4 से 5 मिनट के लिए ही बस बंद करके रख दूंगी, उतनी देर में पक जाता है। ये बेकिंग पाउडर है तो थोड़ा सा ये फ्लफ अप भी हो जाता है, सो बहुत भर के बैटर नहीं डालना होता, नहीं तो साइड से अक्सर ना बाहर आ जाता है। और ये 4-5 मिनट गुजर गए 1 सेकंड में, और जनाब ये फटाफट से हो गया रेडी। इसकी साइड चेंज कर दूंगी, फ्लिप कर दूंगी, मुझे लगता है कि नीचे वाली जो साइड है ये देखिए कितना प्यारा कलर आता है, तो इसलिए ऊपर साइड को भी मैं फ्लिप एक बार जरूर कर। और बस ये रेडी हो गया। इसको निकालने का काम सबसे मजे का लगता है, इसको एक दूसरे के ऊपर फ्लिप करते जाए ना पैन को, सॉरी वॉफल्स को, तो ये टूट जाते हैं, ये देखिए ऐसे। बस इसको मैं प्लेट में डाल दूंगी, और ये जो एक बैटर है ना, इससे 8 वॉफल्स बनते हैं टोटल, इजी घर पे और सस्ते में, बाहर से लेते हैं तो काफी एक्सपेंसिव पड़ते हैं। चॉकलेट टॉपिंग के लिए मेरे बच्चे तरस रहे होते थे ये वाली ना। मिशु, हाउ मेनी वॉफल्स? थ्री। थ्री विल यू ईट? थ्री? नो यू डोंट ईट थ्री बेटा, यू डोंट ईट। ये मेरा बच्चा मुझे बड़ा ट्रिक करता है। लास्ट में जैसे सैंडविच बनाएगा। आज तो लग्जरी हो रही है इस घर में, वाओ। वेलकम। आपने फ्रूट नहीं लिया गाइस? आई डोंट वांट फ्रूट, आई डोंट वांट। नो 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 नो। फोर बीस फॉर मिशू। आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं खुद ही मॉल चली जाऊं बच्चों को लेके। शहजाद तो अक्सर कहते हैं निकला करो, लेकिन मैं कभी निकली ही नहीं। मैं जब दमाम में होती थी तब भी मैं हर वक्त मॉल जाती थी, घर के पास ही मॉल था, और मिशी को प्रैम में डाला, छोटा सा होता था, मिशी बिल्कुल गोद में रहता था उस वक्त, और तिहामी स्कूल से आता था ऐसे 2-3 में था आई थिंक, तो बस हम सीधा मॉल चले जाते थे। फिर उसके बाद हम हाइल सिटी शिफ्ट हो गए, वहाँ पे भी करीब में मॉल था, कैब में बैठ के जाना पड़ता था, बट मैं जाती थी वीक में 1 से 2 बार तो ज़रूर जाती थी। अब यहाँ पे 2.5 साल हो गए हैं, मैं कभी भी अकेली इस तरह निकली नहीं हूँ, लेकिन अब मैं मिस करती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे अकेले भी जाना चाहिए। और मैंने फिर प्लान किया कि बच्चों के एग्जाम खत्म हो गए हैं तो चले छोटे छोटे जो काम है करने वाले वो निपटाती हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग ना निकलते हैं। अकेले से मतलब ये है कि मतलब शहजाद ऑफिस में ही है तो भी मैं डिपेंड ना करूँ कि बस शहजाद आएंगे तो हमें कहीं ना कहीं लेके जाएंगे। तो मैंने बच्चों से कहा था कि आज मैं चीजें वगैरह ये छोटे मोटे जो काम है ये कर लूँ तो फिर चलते हैं। तो ये मिशारी स्कूल से सारा कुछ लेके आया था, जो उसके वापस उसकी स्टेशनरी थी, प्लस उसका जो भी वर्क आर्ट वर्क स्कूल में करवाया था टीचर्स ने, तो वो वापस भिजवाया था। कसम से मेरे हाथ फटाफट चल रहे थे, मुझे ये था कि बस जल्दी जल्दी मैं काम निपटा लूँ, क्योंकि आज प्लान फाइनली कर लिया था कि मॉल जाना है खुद ही। और पहले जब हम लोग जाया करते थे ना, मैं, तिहामी और मिशारी, तो उस वक्त ना मैं शॉपिंग को अपनी प्राइम इंपॉर्टेंस नहीं समझती थी, बस ये कि घूमने फिरने हम लोग मॉल चले जाते थे, फिरते रहे, थक गए तो बैठ गए कहीं पर, कुछ खा पी लिया, फिर फिरने लगे, और 3-4 घंटों में शहजाद ऑफिस से आ जाते थे तो आके हमें लेके सीधे हम लोग घर आ जाते थे। तो अब वो चीज़ होती नहीं है, तिहामी ने वो टाइम बड़ा इंजॉय किया हुआ, क्योंकि जब शहजाद हमारे साथ जाते हैं ना तो क्या होता है कि जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, शहजाद ये चीज लेनी है वो चीज लेनी है, चले मॉल चलते हैं, तो मॉल में भी हम शॉप्स में फिरते रहते हैं कोई ना कोई काम ही करने के लिए। तो मैंने सोचा कि तिहामी ने तो चीजें टाइम एंजॉय किया हुआ, मिशारी ने नहीं किया हुआ, तो चलिए अब मैं हिम्मत पकड़ ही लूँ, निकल ही पड़ू, नहीं तो घर के काम तो वो है ना कि खत्म होने को आते ही नहीं है। बहरहाल मिशारी ने तो आगे आप वीडियो में देखेंगे बहुत इंजॉय किया, डांस शांस किया उसने मॉल में, इतना वो खुश था, जब खुश होता है ना डांस करने लग जाता है। तो बहरहाल, लेकिन मैंने कहा चलो भाई आज जो है कसम तोड़ दो और आज निकलो, आज बाहर बच्चों को लेके अकेले जाओ।
हम लोगों का ना अचानक से प्रोग्राम बन गया कि हम लोग बाहर निकले ना, तो हम लोग जा रहे हैं मॉल। पहले प्लान था कि जाहिया जाएं, अब लेकिन हम सोच रहे हैं कि सहारा जाते हैं। बच्चों की भी कुछ चीजें लेने वाली है, मेरी भी, और शराद आएंगे तो उनके साथ हम वापस आ जाएंगे। बाय द वे मैंने आपको ये दिखाया था ना कि मैं गिफ्ट मार्केट से ये लेके आई थी स्नीकर वाइप्स, ये बहुत अच्छी है। मिशी के शूज काफी आगे से ना ऐसे मिट्टी लगी थी, सोनिक हाँ वो भी समर सोनिक, तो वो ना अच्छे खासे साफ हो गए हैं। तो बस मैं अपने भी शूज क्लीन करने लगी हूँ, बस फिर हम निकलते हैं। तो आज हम जा रहे हैं जी कैब पे, उबर मंगवाने लगे हैं, जाके मेहनत हमेशा रंग लाती है। ये देखा मैं ट्रिम डाउन होना शुरू हो गई हूँ, बहुत ख्याल रख रही हूँ आपसे, मैं बिल्कुल बहुत जल्दी शेयर करूंगी, प्लीज इग्नोर द डर्टी मिरर। लेकिन ये देखा माशाल्लाह मैं पतली होने लगी हूँ, कुछ दिन पहले मैंने आपसे इसी तरह अपना फुल ड्रेस शेयर किया था तो बल्कि लग रही थी ना। तो बहरहाल अभी दुपट्टा ऐसे कर लेते हैं, जल्दी जल्दी निकलते हैं। तो ये देखा मैं पतली हो गई, अब ईद तक इंशाल्लाह और स्लिम हो जाऊंगी। फाइनली मेरी सारी झिझक खत्म हो गई है, मतलब झिझक नॉट एज इन के सेफ नहीं है, सेफेस्ट तरीन कंट्री इन द वर्ल्ड है, लेकिन बस कभी निकली नहीं ना, तो बस हेजिटेशन के हाँ ये काम करना है वो काम करना है। फाइनली मैं इतना खुश हो रही थी, 2 मिनट और 9 सेकंड के अंदर अंदर हम मॉल पहुँच भी गए। हम पहुँच भी गए थे, हम ही ने कहा था कैब पे आ जाए इंस्टेड ऑफ उबर, तो फटाफट हम आ गए। और ये है जी इस एंट्रेंस से हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। मिशू 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 कम हियर, मिशू का फर्स्ट टाइम है मम्मा के साथ बाहर, है ना मिशू? एमी, हाँ जी मैं एमी हूँ। कैसा लग रहा है दोनों बच्चों को? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत टाइम के बाद बाबा को मिस भी कर रहे हैं, बाबा मुझे मिस कर रहे हैं। हाय गाइस, I'm wearing a new t-shirt. It cost me $1,500. I said to my mom, it's less. And I went to a mall and I saw Harim. आज शहजाद साथ में नहीं थे ना, तो कसम से सब मेरी मर्जी चल रही थी। शहजाद जब भी फूड लेते हैं ना इतना ज़्यादा लेते हैं, अपने लिए भी बच्चों के लिए भी, और मैं और शहजाद तो ख़त्म कर लेते हैं लेकिन बच्चे नहीं ख़त्म कर सकते हैं, और हमेशा हम पैक करके घर लाते हैं। तो आज क्या हुआ, तिहामी कह रहे थे उसने पिज्ज़ा हट से खाना है, तो हमने जस्ट एक मीडियम पिज्ज़ा लिया, इसमें 6 स्लाइस होते हैं, बड़े वाले 2 स्लाइस तिहामी को मिले और सबसे छोटे वाले 2 मैंने लिए, और जो मीडियम वाले थे वो 1.5 मिशी ने खाए, बाकी वो भी आधा तिहामी को मिल गया। ड्रिंक्स भी हमने 2 लिए, मैंने और मिशी ने शेयर कर लिया और एक तिहामी ने पी लिया। तो बस हमारे पास कोई भी हैंड बैग नहीं था, कोई भी हैंड कैरी नहीं था बेसिकली। तो हम लोग फिर यहाँ पे आ गए और मिशी एज यूजुअल अपनी ये गेम्स खेलने लग गया, ये सोच के कि इसमें कॉइन भी डाला हुआ है और मिशी रेस कर रहा है। फाइनली मिशू ने सोनिक शर्ट ले ली। अब ये चाइनीज जापानीज लैंग्वेज मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही, हम आए हुए यहाँ पे मैक्स पे और ये सोनिक शर्ट मिल गई है मिशी को, बट एज लॉन्ग एज माई बेबी इज हैप्पी आई एम हैप्पी। उसके बाद फिर हम लोग मैक्स आ गए, मुझे अपने लिए कुछ टाइट्स लेनी थी और बच्चों के लिए शर्ट्स वगैरह कोई देखनी थी, तो एक एक ही शर्ट इनको पसंद आई और जो पैंट्स वगैरह थी वो इनको यहाँ से मिली नहीं, तो वो कहीं और से देख लेंगे। तो ये एक बैटमैन वाली शर्ट तिहामी को अच्छी लगी। फाइनली तिहामी ने थोड़ी सी छोटी शर्ट पहननी शुरू कर दी, नहीं तो इतनी लंबी लंबी फ्रॉक्स जैसे साइज की ये पहनता था और सुनता नहीं था मेरी बात। तो फाइनली अभी देखिए माशाल्लाह कितना कूल लग रहा है। चले चले बेटा, हो गए जी? हाँ चलो लेट्स गो। नहीं बेटा बहुत दूर का रास्ता है, अगर वो खाता नहीं है टैक्सी वाले तो आ जाते हैं। हाँ ऊपर वाले जो, चले बेबी ले दे। सहारा मॉल आते हैं तो बबल टी तो ज़रूर पीते हैं, बल्कि हमारा भाई आया हुआ था, मेरी फ्रेंड आई हुई थी, तो उन सबको भी हम जो भी हमारे घर मेहमान आते हैं ना हम उनको ज़रूर यहाँ पे लेके आते हैं। खैर यहाँ पे मैं देखी थी वॉफल्स विद निटेला एंड फ्रूट 25 dirhams पर सर्विंग, तो यानी कि हम 4 लोग अगर निटेला के यहाँ पे एक आम से कियोस्क बना हुआ यहाँ पे खाने के लिए आएंगे तो 100 dirhams यानी कि 7,500 रुपए में हम लोगों को सिर्फ नाश्ता वॉफल्स का मिलेगा। पाकिस्तानी रुपीस की बात कर रही हूँ ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ऑडियंस मेरी पाकिस्तान की है, तो वो उसके बजाय मैंने 750 रुपए में घर में वॉफल्स बना लिए हैं। तो ज़रूर इस तरह की चीज़ें घर पे ट्राई किया करें और रेस्टोरेंट्स वगैरह के आइडियाज़ लेते रहा करें, उन चीज़ों को घर पर बना करें, बच्चों को बहुत मज़ा आता है, सस्ते में बन जाती हैं, प्लस डेकोरेट अच्छा सा किया हो ना बच्चों का दिन बन जाता है। ये देखिए बबल्स कितने मजे के होते हैं, जूस से भरे हुए होते हैं और मुंह में पॉप होते हैं ना तो जूस निकलता है इनमें से, एडिक्शन है ये बबल्स कसम से, और हर तरह के फ्लेवर हैं, लीची और पैशन फ्रूट जो है ना वो हमारा फेवरेट होता है हर बार। ये मिशी को मिला है ये वाला, और ये तिहामी को मिला है ये बाबा के घर के लिए। हाउ इज इट?
लगती है, यूनिकॉर्न बना दी मैंने। कैसी है? बहुत मजे की। बस युति ने हमें फिर शहजाद भी आ गए थे, बबल टी हमने ले ली थी और फिर वापस जाना था, वही पुराना वाला सारा हमने तरीका किया कि शहजाद पिक करके हमें घर ले जाए। तो वापसी भी शहजाद ने कहा मैं आया हूँ तो मैं मोवेला ने लेके जाऊँ और चाय ना पिलाऊँ, ये नहीं हो सकता। फिर हम यहाँ पे आ गए, चाय पी और उसके बाद हम चले गए घर। वाह जी वाह, मेरा बेटा जो है फाइनली, मेरे बेटे ने कॉन्वर्स ले लिए, शहजाद को इतने पसंद होते हैं, वो तो यूज कर करके वो बस कर दी है उन्होंने। तो हामी को अब नया नया जोश चढ़ा है कॉन्वर्स लेने का, दिखाओ कॉन्वर्स। हामी की मेरी वाली आदत है, जो चीजें मैं लेके आती हूँ ना, मुझे जो पसंद होती है फौरन फौरन ट्राई करती हूँ। मिशु ये मार्कर्स लेके आया, राइट मिशु? शो मी योर फेस, शो मी योर क्यूट फेस। इले आप भी शो मी योर क्यूट फेस। हामी लाया था अपने लिए शूज और मिशी लाया था मार्कर्स, क्योंकि मेरा बच्चा है आर्टिस्ट तो सब में डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है खाम खामे। तो चलिए जी, वीडियो इस तरह से एंड हो गई हमारी और बड़ा अच्छा दिन रहा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।